प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर आगमन पर अल सुबह 6:30 बजे नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। महापौर ने अपना दौरा रिद्धि सिद्धि चौराहे से शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने विभिन्न स्थानों की सफाई व्यवस्था देखी। डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने मौके पर सफाई करते मिले सफाई कर्मचारियों की पीठ थपथपाई। उन्होंने महिला सफाई कर्मियों को गले भी लगाया और उसके बाद उन्हें ठंड से सिकुड़ते देख हाथों में दस्ताने भी पहनाए। बाद में सौम्या गुर्जर ने अपने घर से स्वयं की बनाई हुई चाय भी सफाई कर्मियों को पिलाई। ठंड में मिली गर्म चाय सभी कर्मचारियों को चेहरों पर मुस्कान देखने को मिली। इस पर कर्मियों ने महापौर को दिल से धन्यवाद दिया। महापौर ने सभी दुकानदारों स्ट्रीट वेंडर्स को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करने की समझाइश की, साथ ही साथ नीले व हरे रंग के डस्टबिन रखने की अपील भी की। महापौर ने आमजन से भी संवाद किया और जयपुर को स्वच्छ बनाने के लिए भी शपथ दिलाई। उन्होंने सभी सफाई कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया तथा शहर में लगे अवैध होर्डिंग बैनर व पोस्टर को उठाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में कोई भी कचरा डिपो ना रहे, इसके लिए माइक्रो मैनेजमेंट के साथ सफाई की जानी चाहिए। जयपुर शहर की हर कदम पर आगे बढ़े यह हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आमजन से अपील की कि कचरा ऊपर में ही कचरा डालें, सड़क पर ना फेंके, तभी स्वच्छ व सुंदर जयपुर का सपना साकार हो पाएगा। दौरे के दौरान उपायुक्त स्वास्थ्य नवीन भारद्वाज, जनसंपर्क अधिकारी धर्मिता चौधरी सहित CSIS सभी मौजूद रहे। स्वच्छता हमारी पहली जिम्मेदारी है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जयपुर आ रहे हैं और इस लगने के लिए भी छुट्टी की है। पूरी तमाम शहर की स्वच्छता व्यवस्था है, उसके लिए आज निकली हूँ। और हमारे यहाँ आज मन में ख्याल आया कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब चाय के साथ में चर्चा करते थे तो हमें क्यों नहीं, हमें अपने घर से खुद इनके लिए चाय बना के लेकर आई, ताकि चाय का अपनापन हमारे स्वच्छता योद्धाओं तक पहुँचे और उनको एक शहर से अपने नगर निगम से एक लगाव हो और उनको दुगनी ताकत के साथ में दुगनी उत्साह के साथ में इस शहर की स्वच्छता का ध्यान रख के ज़्यादा काम करें। और साथ ही उनको कोई पूरी टेक्निक भी बताइए कि स्वच्छता करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है जैसे हमारे महिला स्वच्छता योद्धा है कि वो झाड़ू ही लगाए, वो आसपास में लगे हुए जो भी पोस्टर्स हैं तो उनको भी वो हटा सकती है। इसके साथ में कोई भी कचरा बाहर फेंक रहा है, अभी रस्ते में मुझे कुछ नज़र आए थे कुछ लोग हमारे शहरवासी जो ऊपर जा रहा है उसके पीछे से कचरा जो है रोड पर ला कर डाल रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों पर लेकर डाल रहे हैं, तो फिर कैसे हमारे शहर के ओपन डिपो कैसे साफ होंगे। तो हमें कहीं ना कहीं शहरवासियों से भी अनुरोध करती हूँ कि हमारे स्वच्छता करने से मेहनत के साथ में इतनी ठंड के साथ में आज 7 डिग्री टेम्परेचर है, इतनी ठंड में काम कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से लगे हैं, हम सबकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है। लेकिन एक मानवीय दृष्टिकोण भी होना चाहिए, हमारी स्वच्छता कर्मियों का उत्साहवर्धन भी करना चाहिए। जिस कॉलोनी में जिस मोहल्ले में हमारे स्वच्छता कर्मी आते हैं उनको चाय बना कर आप खिलाइए, कि एक ही है हमारे स्वच्छता कर्मी, एक व्यक्ति भी 5 व्यक्तियों का काम करके दिखाएगा और तभी जाकर हमारा जयपुर स्वच्छ और सुंदर होगा। और जयपुर की रैंक को बढ़ाना और जयपुर स्वच्छता के अंदर हर पायदान हर कदम पर आगे बढ़े, इसमें हम सबकी भूमिका होती है, हम सबकी जिम्मेदारी होती है। तो हम सबका प्रयास है वो रंग लेकर आएगा और इस जयपुर को हम स्वच्छ सुंदर बनाएंगे, इस स्वच्छता की बहुत अच्छी रैंक लेकर आएंगे, जिससे जयपुर वासियों का मान सम्मान बढ़ेगा, नगर निगम का।